हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई के जुहू इलाके में और अभी हम खड़े हैं ठीक अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने, जो उनका जलसा घर है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रानी मुखर्जी जी का नया वाला घर। रानी मुखर्जी जी के मुंबई में चार घर है और वो जहाँ पहले रहती थी यश चोपड़ा जी के घर में, उसको उन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया है। उसमें आदित्य चोपड़ा जी के भाई उदय चोपड़ा जी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और रानी मुखर्जी ने अभी हाल ही में एक नया घर खरीदा है 7 करोड़ का। उसका भी ब्लॉग आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिलेगा। और अभी जिस घर का नज़ारा मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, उसमें रानी मुखर्जी जी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। तो उनके फैमिली में कौन कौन है, उनका नेटवर्क क्या है, उनका उसके घर की प्राइस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप लोग जो ये सामने गेट देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है थियोसोफिकल कॉलोनी। इसी में येलो कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो है रानी मुखर्जी जी का नया वाला घर। जी हाँ दोस्तों, अभी रानी मुखर्जी इसी गेट के रास्ते निकलने वाली हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि गार्ड ने अभी अभी बताया है। तो हम लोग मेन गेट पे थे तो हम लोग थोड़ा दूर चले आए हैं और आप अभी हम आपको दिखाते हैं मेन गेट से उनको निकलते हुए। तो ये येलो वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, यही उनका नया वाला घर है। और गेट तो आप लोग फाइनली यहाँ पे सामने देख ही रहे हैं और देखिए यहाँ पर गार्ड गेट खोल रहे हैं। और बस ये जो गाड़ी दिख रही है आपको सामने ना, यही गाड़ी है रानी मुखर्जी जी की और वो यहाँ गेट से इस कॉलोनी से बाहर निकल रही हैं, जुहू के साइड जा रही हैं। आप लोग देख सकते हैं इनकी ये गाड़ी है, जो अभी इन्होंने हाल ही में नई गाड़ी खरीदी है 2 करोड़ की। और देखिए ये बाहर जा रही हैं और इसी गेट के अंदर जो येलो कलर की बिल्डिंग है, उसी में ये अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में रानी मुखर्जी ने 7 करोड़ का एक नया आलिशान फ्लैट भी खरीदा है। जल्द ही उसका भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा और ये यहाँ से जल्द ही उस फ्लैट में शिफ्ट होने वाली है। फिलहाल अभी वो इसी घर में है। और ये जो आपको बिल्डिंग, ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है ना, ये कॉलोनी जस्ट जुहू बीच के बगल में ही है। ये है मेन गेट और देखिए हम लोग काफ़ी गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पर थियोसोफिकल कॉलोनी लिखा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें रानी मुखर्जी जी का ही सिर्फ घर है, इसमें करीब 5-6 बिल्डिंगें हैं, सोसाइटी है पूरी। और इसमें जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे स्टार लोग हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, इसी में लोग अपना घर लेकर रहते हैं। अभी गार्ड आप लोग देख रहे होंगे गेट पर खड़े हैं। हम लोगों ने गार्ड से जब पूछा तो उन्होंने इसको बताया है और उन्होंने खुद कहा है कि रानी मुखर्जी जी के एक नहीं बल्कि 3-4 घर हैं मुंबई के अंदर और अदर राज्यों में भी इनके घर हैं। और आपको हम इनके बायोग्राफी के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल इनके इस घर को। इनका जो ये घर है ना, वो अमिताभ बच्चन के घर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। जो अमिताभ बच्चन का जलसा घर है ना, उसी के बस कुछ ही दूर पे इनका ये वाला घर है। दोस्तों, रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। 2005 में वे बॉलीवुड के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थीं। रानी मुखर्जी ही एक ऐसी अभिनेत्री है जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार, यानी 2004 से लेकर 2006 तक बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया गया है, यानी ये नंबर 1 पर थी। 2005 में उन्हें बॉलीवुड की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ खाने पर न्योता दिया गया। 2006 में उन्हें बाकी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय परंपरा का प्रदर्शन किया। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम राम मुखर्जी और मां का नाम कृष्णा मुखर्जी है, जो कि एक गायक हैं। इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है राजा मुखर्जी। उनके परिवार में ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साल 1996 में बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली रानी मुखर्जी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, साथ ही कई अलग अलग किरदारों को निभाकर अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग का भी लोहा मनवाया है। आपको बता दें, साल 2014 में आदित्य चोपड़ा के साथ घर बसाने के बाद रानी मुखर्जी ने मीडिया की लाइमलाइट से दूरी बना ली थी। वहीं 2015 में इस कपल के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी का नाम आदिरा मुखर्जी रखा है। जो ये आप लोग येलो कलर का घर देख रहे हैं ना, यही घर है
रानी मुखर्जी जी का, और अभी वो इसी घर में रह रही है। रानी मुखर्जी का ये अपार्टमेंट बहुत ही आलीशान है। घर से मिलने वाले व्यू की बात करें तो यहाँ से अरब सागर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और इस घर में 5 बेडरूम है और ये करीब 5000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम आपको हम बता दें, राजा की आएगी बारात, गुलाम, कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर, बिच्छू, चोरी चोरी, चुपके चुपके, नायक, मुझसे दोस्ती करोगे, साथियां, चलते चलते, एलओसी कारगिल, युवा, हम तुम, वीर जारा, ब्लैक बंटी बबली, पहले कभी अलविदा न कहना, बाबुल तलाश, मर्दानी, हिचकी और हिचकी 2, ये सारी मूवी आप लोगों ने इनकी देखी होगी। काफ़ी धमाल और कमाल मचाने वाली वो सारी फिल्में थी। दोस्तों, रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। इससे पहले उन्हें अपने पिता की बंगाली फिल्म बियर फूल 1992 में एक छोटा किरदार करने का मौका मिला था। उनके पारिवारिक मित्र सलीम अख्तर ने आ गले लग जा 1994 में उन्हें रोल दिया था, जिसे रानी मुखर्जी के पिता ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद वह किरदार उर्मिला मातोंडकर को मिला। उनकी पहली सफलता फिल्म गुलाम से मिली, जिसने उन्हें खंडाला गर्ल नाम से चर्चित कर दिया। हालांकि फिल्म कुछ खास सफल नहीं रही, पर आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। रानी मुखर्जी की अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 110 करोड़ रुपए है। रानी मुखर्जी के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिसमें ऑडी A8, W11, मर्सिडीज बेंज ई क्लास और मर्सिडीज एच क्लास शामिल है। इन गाड़ियों की कीमत ना करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा रानी मुखर्जी ने मुंबई और बाकी कई जगहों में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और काफ़ी करोड़ों रुपए इससे कमाती हैं। तो गाइज, आप लोग फिलहाल अभी जो ये घर देख रहे हैं ना, वो इसी में रहती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो जो नया घर खरीदी है करीब 7.5 करोड़ रुपए का, उसमें शिफ्ट होने वाली हैं। उम्मीद करेंगे ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।